नाना पाटेकर की मुश्किल बढ़ी, जल्द गिरफ्तारी की तलवार लटकी। साथ ही होगा नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग और लाई डिटेक्टर टेस्ट। तनुश्री दत्ता के गंभीर आरोपों के बाद नाना पाटेकर और अन्य तीन आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन वहीं अब एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने ये मांग की है कि नाना पाटेकर और तीन अन्य का नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग और लाई डिटेक्टर टेस्ट कराई जाए। तनुश्री दत्ता के वकील ने नाना पाटेकर, कोरियोग्राफर गणेश आचार्य, प्रोड्यूसर सामी सिद्दीकी और डायरेक्टर राकेश सारंग और इनके गवाहों की गिरफ्तारी की मांग की है और अपनी अर्जी में कहा है कि आरोपी काफी प्रभावशाली हैं, हाई प्रोफाइल लोग हैं जिनके अच्छे पॉलिटिकल टच भी हैं, इसलिए वो गवाहों पर दबाव डाल सकते हैं, डरा धमका सकते हैं। खैर, आपको बता दें कि तनुश्री दत्ता ने साल 2008 में फिल्म हॉर्न ओके ब्रिज के सेट पर अपने साथ छेड़छाड़ की शिकायत की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि नाना पाटेकर उनके पास जबरन करीब आना चाहते थे, उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की और उनके साथ इंटीमेट होने की कोशिश की। वहीं आपको बता दें कि इसके बाद मीटू का मामला बॉलीवुड में काफी जोर पकड़ा और अब तक विकास बहल, आलोक नाथ, पीयूष मिश्रा, रजत कपूर, विवेक अग्निहोत्री और भी कई नामी गिरामी लोग इसके शिकंजे में आ चुके हैं। For latest Bollywood news and gossips, subscribe to our channel Bollywood Lifetimes.